यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, कितना बड़ा गम लगा ना आपको, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, तो अल्लाह से आपने दुआ मांगी, वजीफा नहीं पढ़ा है। वजीफे पढ़ना भी जायज है अगर कोई कुरान आयते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो असल जो इस्लाम की रूह है वो क्या है, दुआ। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक। देखो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हमारा जो मिजाज है ना वो क्या है, यूनुस अलैहिस्सलाम कई साल अपनी कौम को तबलीग करते रहे हैं, कौम बाज बोलो नहीं आई। हजरत यूनुस को यकीन हो गया इस कौम पे अजाब आने वाला है, तो आपने अल्लाह से नहीं पूछा, इसलिए कि आपका ख्याल था भाई ये अजाब तो आएगा, तो मैं अल्लाह के खौफ से अब बस्ती को पहले छोड़ देता हूं। मैं आपसे ये इज्तिहादी खता हुई, ये इज्तिहादी खता हुई कि भाई अल्लाह की परमिशन के बगैर आपने कौम को क्यों छोड़ा। हालांकि इस इज्तिहादी गलती के पीछे जो इसकी बेस थी वो बेस बहुत अच्छी थी, वो अल्लाह का खौफ और अल्लाह की खशियत, अल्लाह के अजाब से भागना, ये तो हुक्म है ना। फंटर बनने की थोड़ी इजाजत है कि जहां अजाब आ रहा है तो खड़े रहो वहां देखो, ऐसा थोड़ी है। कौम लूत पर जब अजाब आया तो जो अहले ईमान था थे उनको हुक्म था पीछे मुड़के भी नहीं देखना है, इस अजाब को देखने की भी इजाजत नहीं, डरो इससे भागो। जब कौम आद कौम समूद की बस्तियों से नबी गुजरते थे तो चेहरे पर कपड़ा डाल के जल्दी अपनी रफ्तार बढ़ाते थे, भाई ये इस अजाब को अपनी आंखों से भी ना देखो, खौफ पैदा होता है इससे, तो इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ ज्यादा होते थे। तो अल्लाह के अजाब से तो दूर भागने का हुक्म है। तो अब यहां क्या है कि क्या बात चल रही थी यार, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजाब के डर से अपनी कौम को छोड़कर निकल गए। ये बेस बिल्कुल ठीक है भाई, जब अल्लाह का वादा भी यही है कि जो कौम ईमान नहीं लेकर आएगी तो मैं उसको तबाह कर दूंगा, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि भाई यहां से निकल जाओ। जब बैठे हैं किश्ती में, किश्ती डूबने लगी तो मल्ला ने कहा भाई वजन किश्ती में ज्यादा है, एक आदमी को नीचे उतरना पड़ेगा वरना सब डूब जाएंगे, कौन उतरेगा भाई, कुरानदाजी होनी चाहिए। कुरानदाजी में नाम किसका आया, यूनुस अलैहिस्सलाम। तो बताओ हम होते, हम कहते सारी जिंदगी तबलीग करता रहा, अब जब अजाब आने वाला है तो अल्लाह के खौफ से ही निकला मैं, उसका सिला ये मिल रहा है कि डूबने वाला कौन है, बोलो मैं ही हूं भाई, मुझे तो ज्यादा प्रोटोकॉल, अल्लाह ताला को 6 किश्तियां मेरे लिए पहले से समंदर में रखनी चाहिए थी ना, क्या हो गया। ये हमारी सोच तो यही है कि मैंने चूंकि फजर की नमाज पढ़ी है तो मेरी दुकान पर कस्टमर 6 गुना ज्यादा आने चाहिए, पैसे सारे वो कमा रहे हैं, नमाजें मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा मेरे पर लोग एतराज़ ये भी करते हैं कि एहतियात उसने की, उसको कोरोना हो गया इसको इसने एहतियात नहीं की, इसको नहीं हुआ, ये मुफ्ती लोगों को उल्लू बना रहा है। तो बिल्कुल यही है कि नमाज मैं पढ़ रहा हूँ, रोटी किसको मिल रही है, उसको मिल रही है, एहतियात मैं कर रहा हूँ, वो कोरोना भी मुझे ही हो रहा है। अच्छा खैर बात ही कहाँ चल रही थी, तो यूनुस अलैहिस्सलाम की जगह हम होते तो भाई हमारी हालत क्या होती है। अल्लाह जैसे तबलीग में हम में से कोई गया हुआ होता 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए तबलीग में निकले होते, अल्लाह के रास्ते में वापस आ रहे होते तो पता चला कुछ यानी कन्वेंस ही नहीं मिल रही, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, किसी केस में बंद कर दिया, तो क्या वसवसे आते हैं दिमाग में। जैसे हज करने गए ना, एक आदमी हज करने गया लुट गया वहाँ पे ना जेब कुतरों ने तो वो कह रहा है अल्लाह मैंने तो सुना था हाजी तेरे मेहमान होते हैं, तो हमने तो दुनिया में किसी को नहीं देखा किसी ने अपने मेहमान किसकी ये इंसल्ट की हो, ठीक है, हमने तो नहीं देखा, तेरे मैं तेरा मेहमान बन गया और कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ ही लुट गया, तो जलावा आदमी था। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की जगह कोई और होता, हम जैसे नालायक होते तो हम कहते अल्लाह सारी जिंदगी कौम की मुखालफत लेके तबलीग करता रहा, अपना तन मन धन लगा दिया, ना कारोबार की तरफ तवज्जो, ना कोई पैसे कमाने, जो रूखी सूखी मिली खा लिया, पैगम्बरों का तो कोई उजरत भी नहीं होती, वो तो बिल्कुल ही अल्लाह तवक्कुल पे चल रहे होते हैं। ए अल्लाह गुरबत में एक वक्त गुजारा, कभी खाने को मिला नहीं मिला, बस तेरे दीन को फोकस किया, अब जब अजाब आने वाला है तेरा उस कौम पे तो तेरे खौफ से निकला मैं, जो तेरा ही हुक्म है कि मुझसे डरो, मेरे अजाब से डरो। अब कम अज कम कोई 2-4 किश्तियाँ या हवाई बहरी जहाज कोई खड़ा हुआ होता मेरे इस्तकबाल में, और अगर नहीं था मैंने अपने खर्चे से भी किश्ती ली है मैंने, ठीक है ना, जिम्मेदारी किसकी बनती थी, अल्लाह
जिम्मेदारी तेरी बनती थी कि किश्ती का इंतजाम तेरी तरफ से हो। भाई गवर्नमेंट अगर किसी फौजी को किसी मुहिम पे भेजती है, अब जो अमेरिका के फौजी अफगानिस्तान आए हुए हैं इनको बाइज्जत वापस निकालना किसकी जिम्मेदारी है? बोलो ना, अमेरिका की जिम्मेदारी है ना। तो तभी तो फौजी कह रहे हैं भाई तुमने हमें इज्जत के साथ जब भेजा है तो इज्जत के साथ पठानों से बचा के निकालना किसकी जिम्मेदारी है? ये अमेरिका की जिम्मेदारी है ना। तो तभी अमेरिका कतर में कोशिश में लगा हुआ है कि भाई ये जो ये किसी तरह अपनी इज्जत बचा के वापस आ जाएंगे। और बिल्कुल सही कर रहा है अमेरिका अपने लिहाज से, उसका फर्ज बनता है जब आपने फौजियों को भेजा तो वापस भी तो लेकर आओ ना उनको। तो बिल्कुल मेरे भाई ये बात जहन में आ सकती थी यूनुस अलैहिस्सलाम के कि अल्लाह ये सब मैंने तेरे लिए किया है, अब तेरा अजाब आ रहा है तो मुझे तो यहां से फरार होना है बस्ती से, तो किश्ती का इंतजाम करना मेरे जिम्मे नहीं है बल्कि किसके जिम्मे है? तेरे जिम्मे। चलो मैंने अपने खर्चे पे कर ली, अब अल्लाह तू खुद ही अगर डूब रही, अव्वल तो डूबनी नहीं चाहिए, तुझे तो ये ताकत है कि 100 आदमी भी किश्ती में बैठ जाएं, जब तक तेरी मर्जी नहीं होगी किश्ती कल्टी बोलो नहीं होगी, ये नहीं कल्टी हो सकती। दूसरी आजमाइश तूने ये आजमाइश में डाल देगी किश्ती कल्टी हो रही है, और अगर कल्टी हो भी रही है तो ऐसे ऐसे नालायक लोग इस किश्ती में बैठे हुए हैं। कार आमद तो सिर्फ उसमें यूनुस अलैहिस्सलाम थे, बाकी तो सारे नालायक क्योंकि मुशरिक लोग थे, सारे बुत परस पान गुटके वाले सिगरेट वाले तंबाकू वाले सारे इसमें बैठे हुए हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या नशा करते होंगे, सारे एक नंबर के चोर यहां बैठे हुए हैं किश्ती में। तो अल्लाह इनमें से किसी को तो खुद ही जो है ना डलवा देता। और कुरानदाजी हो रही है तो नाम किसका आ रहा है? मेरा नाम आ रहा है जिसने सारी जिंदगी तबलीग की। तो और फिर कमाल ये कि बड़ी आजमाइश किया कि चलो किश्ती में अगर छलांग लगा के नीचे गिरना ही था, उन लोगों ने डाल दिया भाई आपका नाम आया आपको उतरना पड़ेगा। तो तैरने का ऑप्शन होता है, कहीं तैरते रहेंगे कोई टीला आ गया वहां बैठ गए, या किसी ने देख लिया कोई रस्सी फेंक दी जैसे, या कहीं किनारे पे उतर गए, जैसे ही छलांग लगाई है एक और बड़ी आफत, समंदर की मछली ने आपको निगल लिया। कितना खौफ, एक हर्फ जबान से ना शुक्री का नहीं निकल रहा पैगंबर की।